हेलो एवरीवन, सो ये है आपका वीकली हॉरोस्कोप या आप साप्ताहिक राशिफल इसे कह सकते हैं फॉर दी अपकमिंग वीक कैसा रहेगा आपके लिए। सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बहुत लोग पूछते हैं कि नो कि आप किस अकॉर्डिंगली इस वीडियो को देख सकते हैं। सो आप इसे एज पर सन साइन, एज़ पर आपकी नाम की राशि के हिसाब से, या एज़ पर आप इसे अपने जोडियक साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, आप बस उसी हिसाब से देखें, टैरो कार्ड्स वैसे ही काम करते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ सके। एंड ऑल्सो अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली वीडियोस, रील्स, टिप्स, वास्तु टिप्स, टैरो रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। सो ज़रूर आप अगर वैसे देखना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन, हर एक जोडियक साइन के बारे में क्या कहते हैं कार्ड्स। हेलो लिब्रा, सो रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहली चीज़ कि आपका करियर की रीडिंग कैसे रहेगी फॉर दिस अपकमिंग वीक। यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आए हैं द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। ये वीक में आप थोड़े से चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, बट अगेन ये चैलेंजेस को आप बहुत ही अच्छे से उभर कर आप इन्हों इसको फेस करेंगे। बहुत ही आपके लिए लकी और अच्छा माना जाएगा ये वीक इन अ वे, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे आप उसको इन्हों एक हिम्मत से आगे बढ़कर उसको हैंडल करेंगे, पॉजिटिवली हैंडल करेंगे। एंड आपका इनर कॉन्फिडेंस, जो भी आपकी पोजिशन रहेगी इन्हों, आप अपनी विल पावर से उसको हैंडल करेंगे। तो समवेयर इवन आफ्टर प्रॉब्लम्स आने के बावजूद ये वीक आपके लिए लकी और एक मूवमेंट साबित होता हुआ दिख रहा है। मुझे ये वीक में स्टक एनर्जीज नहीं दिख रही हैं लिब्राज आपके लिए। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भैया आप इस वीक में ऐसे रहोगे, एक तो कोई भी बात पे अगर आपको गुस्सा आ जाएगा तो आप कहोगे भाई ये चीज़ मुझसे नहीं हैंडल होगी, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो सकते हैं इस वीक में। बट अगेन जो आप ज़िद्दी होगे वो आप अपने अच्छे के लिए ही होगे। आपको पता होगा कि ये चीज़ मैं अपने अच्छे के लिए कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे सही लग रही है मैं वही चीज़ करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये वीक में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। यस, उनमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। थोड़े से आप अपने बोलने के टाइम पे वोकैबुलरी को, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखिएगा, रूड किसी से बात मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से बात कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा इस वीक में। बट थोड़ा सा डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट स्केड्यूल आपको रखना होगा, चाहे आप एजुकेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो। अपने मूड्स को आपको कंट्रोल करके, सब कुछ सैक्रिफाइस करके आपको मेहनत तो करनी होगी। सो कड़क स्ट्रिक्ट मेहनत आपकी लाइफ में ये वीक में दिख रही है। सो आपको हेक्टिक लग सकता है, आपको सब भी बहुत सारा काम हो गया, बड़ी मेहनत मेरी लग रही है। बट इवन आफ्टर दैट आपको वो चीज़ करनी है, तभी आपको वो सक्सेस जो आप चाहते हो, जो पावर आप चाहते हो, जो पोजिशन आप चाहते हो आपको मिलेगी। तो ये आपके लिए सजेशन। रेस्ट मुझे कोई और बिग प्रॉब्लम्स आते हुए नहीं दिख रही है, माइनर चैलेंजेस है, बट आप उसको अपने आप कोप अप एंड फेस कर लोगे, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। आगे अगर हम आपकी लव लाइफ की ओर चलते हैं, सो लव लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड आए हैं द रीच आउट के कार्ड से। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा आप अपनी लव लाइफ में सैड एंड अपसेट फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि नो कि मे बी जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो चीज़ मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। सो आपसे कहा जा रहा है कि ज़रूर आप बात करें किसी से, कहीं किसी अपनों से, कहीं अपने पार्टनर से, कहीं जो भी चीज़ आप चाहते हैं, एंड यू नो वो चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। किसी की एडवाइस लेने से भी बहुत बार आपके काम बन जाते हैं। सो ज़रूर आपको कम्युनिकेशन करना, किसी से बात करना, किसी से एडवाइस लेना ज़रूर सजेस्टेड है फॉर दिस वीक लिब्राज। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं यहाँ पर यू नो थोड़े से लिब्राज के लिए मैं कहूँगी, नॉट फॉर एवरीवन, कि आपको लग सकता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चाहे वो आपकी साइड से हो या आपके पार्टनर की साइड से हो, बट कोई थर्ड पार्टी है जो इशूज़ क्रिएट कर रही है आपकी लव लाइफ में। अगर ये परिस्थिति भी है तभी भी आपने उस चीज़ को इन्हों सोच समझ कर ही एक्शन लेना होगा, जल्दबाजी में आप कोई भी फैसले नहीं ले सकते हैं। सो जितना हो सके ना, आप देख सकते हैं इस इमेज में ऐसे हाथ बने हुए हैं, सो हाथों के ऊपर वो ऐसे बैठी हुई, सो इंडिकेट करता है कि किसी की मदद, किसी की हेल्प ले, किसी से बात करें, रीच आउट, टॉक टू समवन, अपना दिल हल्का करो। सो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा फॉर दिस वीक। रेस्ट अगर मैं रिकवरी की ओर से देखूँ, सो रिकवरी मेरे को थोड़ी सी स्लो दिख रही है इन लव लाइफ, ग्रेजुअली होगा, बट आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को भी बेहतर करने के लिए जो भी आपके मन में बातें हैं आपको वो कहनी होंगी, वो डिस्कस करनी होंगी। फिर वो सामने वाले के ऊपर वो एग्री करे ना करे, बट आपको आपका यू नो नेगेटिविटी सब दिल में जो भी बातें रिलीज करके आप बात करो, सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा लिब्रास फॉर दिस वीक।
आगे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ये कार्ड है द जेंटलनेस का कार्ड है, जो इंडिकेट करता है इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ में इस वीक में प्रैक्टिस करो कि नो मैटर व्हाट, मैं अपने साथ जेंटल रहूँगा, मैं अपने साथ काइंड रहूँगा, मैं अपने साथ पॉजिटिव रहूँगा, नो मैटर दुनिया मेरे साथ कैसा बिहेव करती, कैसा ट्रीट करती, आई नो कि मैं सबसे बेस्ट कर रहा हूँ, बेस्ट सोच रहा हूँ एंड मुझे उसी हिसाब से अपने साथ रहना। सो जस्ट बी जेंटल विद योर सेल्फ। इस कार्ड का मीनिंग यही होता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट इन सब के बावजूद आपने अपने साथ में वो जेंटल, वो काइंडनेस, एंड कहते हैं ना कि कई बार इंसान कितना भी गुस्सा उसको आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो, फिर भी जो एक नो दया की भावना रखता है, कंपैशन रखता है खुद के लिए भी एंड दूसरों के लिए भी, वो असली स्ट्रेंथ मानी जाती है, वो असली इनर पावर मानी जाती है। तो इसी तरीके से नो मैटर व्हाट, जैसे आप कोई दूसरा कितनी भी प्रॉब्लम है हम उसको कितना प्यार से जाके कहते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, हम उसको हग करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, सो व्हाई नॉट विद योर सेल्फ। लिब्रा, इसीलिए आपके लिए सजेशन है कि ये वीक आपने खुद को प्यार भी देना है, खुद का ख्याल भी रखना है, नो मैटर व्हाट इट इज़, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी जेंटल, अपने साथ जेंटल रहो, अपने साथ काइंड रहो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है लिब्रास फॉर दिस वीक। यस, अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। लिब्रास समवेयर आई सी नो कि जितना आप काम डाउन होकर सिचुएशंस को हैंडल करोगे उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा फॉर दिस वीक। रेस करियर वाइज मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, स्टेबिलिटी दिख रही है, सिर्फ पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा और केयर और जेंटल होना नेसेसरी है। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो लिब्रास।